व्यूअर्स, मेरा नाम मोहम्मद अजीम है और मेरा ऑफिस है 5B मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड ग्वादर। मैं आज आपको विजिट करवा रहा हूँ। वेलकम टू प्लैटिनम सिटी, ये बोर्ड लगा हुआ है। ये प्लैटिनम सिटी जो आप देख सकते हैं, ये सामने प्लैटिनम सिटी है। ये मकरान कोस्टल हाईवे है जो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, ये टुवर्ड्स कराची और दूसरी तरफ टुवर्ड्स ईरान। और ये है जी सामने प्लैटिनम सिटी। शायद इस तरह की वीडियोस आपने पहले कभी ना देखी हो, इतनी डीपली और इतने ज़्यादा जो डेवलपमेंट का काम लोग नहीं दिखाते। हम लोग आपको आगाह रखते हैं सोसाइटी से, ग्वादर की डेवलपमेंट के हवाले से, इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से और उसमें इन्वेस्टमेंट के हवाले से, ओपन लैंड के हवाले से, सोसाइटीज़ की डेवलपमेंट के हवाले से और इस तरह के जो बेशुमार प्रोजेक्ट्स हैं उनके हवाले से। तो आज हम आपको विज़िट करवा रहे हैं प्लैटिनम सिटी का। ये प्लैटिनम सिटी का मेन गेट है और ये तकरीबन ग्रीन पाम्स के बिल्कुल साथ है। वो सामने ये ग्रीन पाम्स है जो रफ़ी ग्रुप्स वालों की सोसाइटी है, उसके बिल्कुल एडजेसेंट ये सोसाइटी है प्लैटिनम सिटी। इसका विज़िट मैं आपको करवा रहा हूँ इस वक्त। ये तकरीबन कोस्टल से, अब जब अंदर आएंगे तो ये कच्चा रोड जा रहा है जो कोस्टल हाईवे से डायरेक्टली इस, ये मेन गेट जो इनका बना हुआ है ये है। हम सोसाइटीज़ को डील नहीं करते, मैं अक्सर अपनी वीडियोस में भी ये बताता हूँ कि हम लोग सोसाइटीज़ को डील नहीं करते। बस हमारा मकसद ये होता है कि हम सिर्फ जो ग्वादर की रियल पिक्चर है वो आप तक पहुँचाएँ, ताकि आप लोग अपनी इन्वेस्टमेंट्स बेहतर तरीके से यूटिलाइज़ कर सकें और आपको बेहतर, हम ख्वाहां हैं कि आप बेहतर प्रॉफिट कमाएँ ग्वादर से। तो ये है प्लैटिनम सिटी का मेन गेट जो आप देख रहे हैं अभी स्क्रीन के ऊपर। डेवलपमेंट के मुझे आसार वैसे यहाँ पे नज़र नहीं आ रहे। और इसके साथ है ग्रीन पाम्स, वो देखिए ग्रीन पाम्स की जो सोसाइटी है उसके वो जो दरख्त उन्होंने लगाए हैं पाम्स के, वो भी आपको नज़र आ रहे हैं। ये सारी ग्रीन पाम्स की डिमार्केशन हुई हुई है, प्लैटिनम सिटी की डिमार्केशन हुई हुई है। ये प्लैटिनम सिटी है जो आप इस वक्त अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। ये उसका मेन गेट है और डेवलपमेंट अभी यहाँ पे एसएच नहीं हुई जो कि होनी चाहिए थी, लेकिन अभी तक यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हुई। अब क्या वजह है ये तो बेहतर सोसाइटी वाले बता सकते हैं, लेकिन हमारा मकसद आप तक सिर्फ इन्फॉर्मेशन पहुँचाना है। मेरी इस वीडियो को, इन्फॉर्मेटिव वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ये ज़मीन लैंड तो इनके पास मौजूद है, डिमार्केशन भी हुई हुई है। अब डेवलपमेंट का क्या इशूज़ है वो सोसाइटी बेहतर तरीके से आपको बता सकती है। हमारा मकसद आप तक सिर्फ रियल पिक्चर पहुंचाना है ग्वादर की। आपकी बहुत मेहरबानी, आपका बहुत शुक्रिया और मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अस्सलामुअलैकुम।